अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को, मेरे को अल्लाह ताला हम सब को अच्छा रखे, हम सब के जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। जो रोज़गार से नहीं है, जो बेरोज़गार है, अल्लाह ताला उनको रोज़गार से लगा दे। जो रोज़गार से है, अल्लाह ताला उनके रोज़गार में खैर बरकत दे। और जो नाफरमान औलाद है, अल्लाह ताला उनको हिदायत पैदा कर दे। उनके माँ बाप को उनका सुकून बताए, उनके खुशियाँ बताए। अल्लाह ताला उनके शैतान से हटा दे। अल्लाह ताला हम सबको अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन सुमान। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टमाटे के साथ का खागीना। तो प्याज कम लगती इसमें बहुत, और इसमें 5-6 पत्ते करिया पाक के डाली। नॉर्मल प्याज कैसा काटते हैं वैसा काटना है। और प्याज ली मैं ये साइज की, टमाटा भी है ये साइज का 5 ली। इसको ग्राइंड करूंगी मैं, बिल्कुल पेस्ट ग्रेवीदार बना लूंगी, प्यूरी के जैसा बना लूंगी। और अंडे 4 ली मैं, जितनी क्वांटिटी आप लोगों को बता रही हूँ उसके हिसाब से है ये। ये रात में या दोपहर में लंच के टाइम बहुत अच्छा दिखता है ये। ऑयल ली मैं 1/2 कप ये कप से, क्योंकि अंडे डाले वास्ते तेल ऑब्जर्व करता तो जरा तेल दिया था ना तो बिसान होता खागीना। और ये पहले आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे इसकी, तो अब बता रही हूँ टमाटे काट के ना डालना है, प्यूरी करके डालती हूँ मैं तो जबी मजे का होता। अच्छी लाल तलना है प्याज। नमक डाल रही मैं जल्दी हो जाने के वास्ते। प्याज अदरक लहसुन को अच्छा तलना है। ये देखिए अदरक लहसुन तले गया। अब इसमें डालना है 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया जीरा का पाउडर रोस्टेड। अब ये इसमें डाल देंगे। आपको पानी डाल देना है क्योंकि मिर्ची ने तो जलना शुरू हो जाए। नमक है 1/2 टीस्पून, आप लोग अगर ज्यादा खाते तो ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा डाली, थोड़ा रखी मैं। 1 चाय का चम्मच हरा धनिया डालूंगी, जुमला 5 चाय के चम्मच है। काट ली मैं मोटे मोटे क्योंकि ग्राइंड होना है ये। अब ये हुए तक मैं ग्राइंड कर लूंगी। टमाटे में ये सॉल्ट डाल दूंगी मैं, ये डाल के ग्राइंड करूंगी। ये ग्राइंड कर ली। अब ये स्टेज पे टमाटे की प्यूरी डाल देना है। अब इसको अच्छा मैं 5 मिनट पकने दूंगी, उसके बाद अंडे डालूंगी। धनिया जीरा का पाउडर जरूर डालना है, ये बिल्कुल अलग टाइप का है, किसी को मालूम होगा किसी को नहीं होगा। बनाइए आप लोग, बहुत अच्छा दिखता है ये। राइस से भी अच्छा दिखता है, खिचड़ी से भी बहुत अच्छा दिखता है। रियाद पानी नहीं रहना है, ये स्टेज पे अब अंडे डाल देंगे। मुझे थोड़ा हरा धनिया डालूंगी मैं। एक डाल दूंगी मैं, अलग अलग फोड़ के डालती हूँ, बाज़ वक़्त खराब रहते बोल के आप लोगों को पूरे डाल के बताऊंगी। 4 है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसके जो मोटे मोटे काड़ियों के साथ डालना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा रखी हूँ, बाद में डालूंगी। अब इसको तोड़ना करना नहीं है, अब इसको मैं सिम पे कर दूंगी, स्लो फ्लेम पे 5 मिनट रखूंगी, फिर बताऊंगी आपको। और फ्लेम बिल्कुल कम है, इसको इस टाइप से बाद में अपन जो भी चमचा वो लगाना है लगाना है, थोड़ा ऐसा ऊपर से ऐसा लेना है।
और 5 मिनट रखूंगी मैं। अब ये स्टेज पे ऐसा करना है थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप लोग इसको एकदम घुटाला करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते, मगर ये ऐसे साबित साबित अंडों का बहुत अच्छा दिखता है। और ज्यादा अंडे डालना चाह रहे हैं तो भी डाल सकते हैं आप। हरा धनिया एकदम मोटा मोटा काट के डाली मैं, काड़ियों वाला, क्योंकि इसमें काड़ी वाला डलता तो काड़ी से बहुत खुशबू आती, विशाल मजा जरा भी नहीं आता, तेल ज्यादा लगता है इसमें। और ये टमाटे की खटास से अंडा थोड़ा हार्ड हो जाता, मगर वही मजे का दिखता है, बहुत बच्चे बहुत शौक से खाते। बनाइए देइए। और अब गैस बंद कर दे रही हूँ मैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।